नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं समय न्यूज। हम आपको दिखाएंगे राजनीति, मनोरंजन, खेल, क्राइम और आम लोगों से जुड़ी सारी अहम खबरें। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मवेशियों को सुरक्षित रखने को लेकर राज्य सरकार की महती योजना रोका छेका और गौठान योजना रतनपुर में फ्लॉप साबित हो रही है। शहर व अन्य जगहों की सड़कों पर अब भी मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है। मवेशी झुंड में सड़कों पर कब्जा कर बैठे रहती हैं। इसकी वजह से मवेशी और राहगीरों के दुर्घटनाग्रस्त होने की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। सड़कों पर मवेशियों के रहने से यहां कहीं पर भी रोका छेका व गौठान योजना चलने का आभास नहीं हो रहा है। पहले की तरह ही अब भी आवारा मवेशियों का सड़कों व अन्य जगहों पर जमावड़ा लगा रहता है। मवेशियों को एक जगह पर रखने राज्य सरकार द्वारा हर गांव और शहरी क्षेत्र में एक निश्चित जगह का चयन कर सुरक्षित रखने की योजना बनाई गई है और इसके लिए लाखों का फंड भी जारी किया गया है। बावजूद इसके रतनपुर और ना ही रतनपुर में कोई कांजी हाउस है और रोका छेका व गौठान योजना सही तरीके से संचालित भी नहीं हो रही है। नतीजन मवेशी अब भी सड़कों पर ही डेरा जमाए बैठे रहते हैं। राज्य सरकार द्वारा योजना तो लाई गई है लेकिन इसकी निगरानी व सही तरीके से क्रियान्वयन करने की गंभीरता नहीं दिखाई दे रही है। आपको बता दें, सड़क पर आवारा मवेशियों के जमावड़े को हटाने और इसके उचित निदान हेतु नगरपालिका के मुख्य अधिकारी को कई बार आम नागरिकों के द्वारा अवगत कराया जा चुका है लेकिन मामला आज भी वही है। रोजाना लोग इन मवेशी के कारण सड़क हादसों के शिकार हो रहे हैं। लगता है नगरपालिका के अधिकारी किसी बड़े हादसे के इंतजार कर रहे हैं, इसके बाद ही इस ओर ध्यान देंगे। रतनपुर से ताहिर अली की रिपोर्ट। खबरों की दुनिया में फिलहाल इतना ही। खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल समय न्यूज के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।